मोटी घटना होते रहती है और इसका इन्फॉर्मेशन पटना विश्वविद्यालय के प्रोक्टर महोदय को हमने कितनी बार बोला, इन्फॉर्मेशन दिया कि सर जो ये छोटी मोटी घटना हो रही है इस पर अंकुश लगाइए, इसको रोकिए, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और बड़ी घटना को दावत दिया। दो दिन तीन दिन पहले जो बड़ी घटना पटना कॉलेज में बमबाजी हुआ, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। पटना विश्वविद्यालय के जारी फरमान के बाद कहीं ना कहीं अब यहां के छात्रों में रोष देखा जा रहा है। वहीं पटना विश्वविद्यालय के VC कार्यालय के पास नदवी हॉस्टल के छात्र यहाँ पहुँच कर हंगामा करते नजर आ रहे हैं और वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग भी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों हुए पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में बमबारी और गोलीबारी के बाद कहीं न कहीं पटना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हॉस्टलों को खाली कराने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाबत हॉस्टलों में एक पत्र चस्पा किया गया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि उन हॉस्टलों में रहने वाले छात्र जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर हॉस्टल के कमरों को खाली कर दूसरे जगह पलायन कर जाए। वहीं अगर बात करें तो नदवी के छात्र अब यहां पे उग्र होते नजर आ रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय के VC से अपनी मांग को लेकर यहां पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के नदवी के छात्र। मैं आप लोगों को भी पता है कि हर दिन छोटी मोटी घटना होते रहती है और इसका इन्फॉर्मेशन पटना विश्वविद्यालय के प्रोक्टर महोदय को हमने कितनी बार बोला, इन्फॉर्मेशन दिया कि सर जो ये छोटी मोटी घटना हो रही है इस पर अंकुश लगाइए, इसको रोकिए, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और बड़ी घटना को दावत दिया। दो दिन तीन दिन पहले जो बड़ी घटना पटना कॉलेज में बमबाजी हुआ, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन है। उन्होंने हर छोटी घटना को इग्नोर किया और बड़ी घटना को दावत दिया। इसके बाद हम आज आए हैं जो तुगलकी फरमान जारी हुआ पटना विश्वविद्यालय से कि नदवी हॉस्टल जो अल्पसंख्यक हॉस्टल है जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था मारपीट में, और जब से नदवी हॉस्टल बना है आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, न विश्वविद्यालय में कोई क्राइम रिकॉर्ड है वहाँ के छात्रों का, न थाना में है। जब कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, न किसी तरह का कोई FIR है, फिर उस हॉस्टल को बंद करने का ये तुगलकी फरमान उन्होंने भेजा है, इसको हम लोगों ने फाड़ दिया और आपके सामने भी फाड़ देते हैं। ऐसे तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे और जिस तरीके से ये मनमानी करते हैं पटना विश्वविद्यालय के VC, अपनी जिम्मेवारी से भागकर छात्रों को, जो किसान और मजदूर का बाल बच्चा यहाँ आकर पढ़ता है, विश्वविद्यालय में 6,007 करोड़ रुपया देकर अलॉटमेंट करवाता है, उसको बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर। मांग क्या कर रहे हैं, मांग क्या आपका? हमारा मांग यही है कि जो हॉस्टल जिसमें कोई मारपीट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको जो तुगलकी फरमान जारी करके बंद करने का आदेश दिया गया है, इस आदेश को वापस ले पटना विश्वविद्यालय, नहीं तो हम लोग खामोश रहने वाले नहीं हैं। बाकी हॉस्टल को भी खाली करने के लिए ऑर्डर दिया गया, बाकी और हॉस्टल को खाली करने का जो आदेश दिया गया है उसका क्या क्राइम रिकॉर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन है VC महोदय को, हमको नहीं पता। लेकिन हम नदवी हॉस्टल में रहते हैं, हमको अपने हॉस्टल का पता है कि उस हॉस्टल का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है जब से वो हॉस्टल बना है। और जब दो दिन पहले जो घटना घटी है उस घटना में भी पटना विश्वविद्यालय के FIR में कोई इन्वॉल्वमेंट है हम लोगों का, फिर इस हॉस्टल को बंद करने का ये तुगलकी फरमान क्यों जारी किया गया? अल्पसंख्यकों के ऊपर इस तरह का ज्यादती हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा मोहम्मद अल कमाली हुआ, पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। बंद कीजिएगा।
इसीलिए तो ये जवाब दीजिए सर। सर आप खुद मान रहे हैं कि गोली बम चलेगी तब तो आप लोग ना मैंने सर आप खुद बोल रहे हैं कि बम गोली चलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी सुनिए आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विश्वविद्यालय को कोऑपरेशन आपसे चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आप इस परिस्थिति में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, नोटिस में सर नोटिस होने का अनिश्चित काल के लिए अभी तत्काल आप बंद, कोई भी नोटिस निकलती है साइन डाई का यही फॉर्मूला है कि अनिश्चित काल के लिए सूचना निकलती है। तो सर 6 महीना 3 महीना एक साल हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे हैं और क्या मामला कैसे सुलझेगा इसके लिए कमेटी डीएम साहब की, एसएसपी साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की बैठक होने वाली है। सबसे बड़ी बात सुनिए, अब बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, ठीक है? व्यवस्था करेंगे सर, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का छात्र है, आप जानते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी सर को एक भी क्लास एब्सेंट होता है तो तुरंत एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। और ये लोग जब घर चले जाएंगे, ये लोग जब सर घर चले जाएंगे, घर जाने के लिए बाहर रहने के लिए खर्चा दीजिए। अभी फिलहाल आपको अपनी थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ दिनों के लिए आप अपनी व्यवस्था करिए, कुछ दिन उसके बाद तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पटना विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 3 हॉस्टलों को खाली कराने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पे अगर बात करें तो पटना के मिंटू हॉस्टल, जक्सन और नदवी हॉस्टल को खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसको अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर खाली कर दूसरे जगह पलायन करने के आदेश पर अब छात्र यहां पे प्रदर्शन और धरना करने की बातें कहते नजर आ रहे हैं। वहीं मांग कर रहे हैं कि ये गरीब निर्धन छात्र, किसान के बेटे आखिर जाएं तो जाएंगे कहां। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।